हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सताम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संत दादू दयाल जी, और आज हम दादू पंत के बारे में भी पढ़ेंगे, और दोस्तों हम संत रज्जब के बारे में भी पढ़ेंगे, जो हमेशा एक दूल्हे के वेश में रहते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संत दादू दयाल जी के थोड़ा सा पहले जीवन के बारे में हम समझ लेते हैं। दोस्तों, संत दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था, वे दोस्तों 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इसके बाद दोस्तों ऐसी घटना घटती है, दादू दयाल जी को एक संदूक में बंद करके साबरमती जो नदी है उसमें दोस्तों डाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये संदूक बहती हुई पानी में दोस्तों आती है, और दोस्तों लोदी राम जो ब्राह्मण थे, उन्होंने दोस्तों उस संदूक को देखा, और उस संदूक को जब खोला तो उसमें एक बच्चा मिला था, और दोस्तों जो बच्चा था वही था दोस्तों दादू दयाल जी। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो दादू दयाल जी है, इसका जो लालन पालन किया है वे दोस्तों लोदीराम ब्राह्मण ने किया है। हम दोस्तों ये भी यहाँ पर समझ सकते हैं, जो संत दादू दयाल जी है, जिसका जन्म तो गुजरात में हुआ, लेकिन दोस्तों जो उसका सारा जीवन है वे राजस्थान में व्यतीत होता है। वो जयपुर के आसपास जो सांभर झील है, यहाँ पर इसका जीवन सारा बीतता है, और यहीं पर दादू पंथ की स्थापना करता है। दोस्तों जन्म स्थल गुजरात था, और कर्म स्थल दादू दयाल जी का राजस्थान था। आज हम उसी दादू दयाल जी के बारे में समझेंगे। समझना दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम जन्म के बारे में बात करते हैं। 1544 में दोस्तों अहमदाबाद में हुआ। कहां पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ, ठीक है ना। अब दोस्तों एक बात आप यहां पर समझना, जब दोस्तों ये साबरमती नदी में, जो साबरमती जो नदी है, जब उसमें एक संदूक में बहते हुए आते हैं, तो दोस्तों जो इसका लालन पालन करता है वो लोदी राम करता है, और दोस्तों ये बच्चा था, इसलिए दोस्तों ये पता नहीं चल पाता कि इसके माता पिता का नाम क्या था, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं लालन पालन, ठीक है ना। लालन पालन, जो लालन पालन किया था दोस्तों वो किसने किया था? लोदी राम ब्राह्मण ने लालन पालन किया था। किसने किया था? लोदी राम ब्राह्मण ने लालन पालन किया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 24 वर्ष की अवस्था में अर्थात 1568 ईस्वी में दोस्तों दादू दयाल जी सांभर में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं दोस्तों? सांभर में आ जाते हैं, ठीक है ना। और सांभर में दोस्तों एक मजदूरी करने लगते हैं, वहां पर जहां पर नमक बनाया जाता था वहां पर दोस्तों मजदूरी करने लगते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहीं पर दोस्तों सांभर में, इस सांभर में ही दादू दयाल जी को लगता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, और जो प्रथम प्रवचन देता है, प्रथम प्रवचन भी दोस्तों कहां पर देगा? दोस्तों ये सांभर में ही प्रथम प्रवचन देता है। कहां पर देता है दोस्तों? सांभर में प्रथम प्रवचन देता है, ठीक है ना। अब दोस्तों जब ये सांभर में प्रथम प्रवचन देते हैं संत दादू दयाल जी, उसके बाद दोस्तों होता क्या है? उसके बाद दोस्तों ये होता है, जो उस समय यहाँ के जो ब्राह्मण थे और जो काजी थे, जब पता चलता है एक अलग एक पंथ, दादू दयाल पंथ एक अलग सिद्धांत दे रहे हैं, तो दोस्तों ब्राह्मणों में ने भी दादू दयाल जी का विरोध किया था, ठीक है ना। अब हम बात करें, अगर हम बात करें दोस्तों अपना जो गुरु बनाया था, गुरु जो बनाया था वे दोस्तों ब्रह्मानंद को अपना गुरु बनाया था। किसको बनाया था? ब्रह्मानंद को अपना गुरु बनाया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे चलता है। अब दोस्तों इस सांभर में इसके कुछ लोग विरोध करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है 1575 में अपने 25 अनुयायियों के साथ, अनु
अनुयायी, कितने अनुयायी थे दोस्तों, 25। अपने 25 अनुयायियों के साथ ये कहां पर आ जाते हैं दोस्तों, ये जयपुर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं दोस्तों, जयपुर आ जाते हैं। और दोस्तों ये जयपुर में रहते हैं, 14 वर्ष तक रहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये 1589 ईस्वी तक जयपुर में रहते हैं, एक जयपुर में एक काफी समय बिताया था, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कितने अनुयायियों के साथ आए थे, 25 अनुयायियों के साथ आए थे, ठीक है ना दोस्तों। 1575 ईस्वी में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था गरीबदास का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था, गरीबदास का जन्म हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। कहा जाता है कि जो संत दादू दयाल जी जो खुद थे, वे दोस्तों वे खुद का परिवार था, एक वैवाहिक जीवन था संत दादू दयाल जी का। संत दादू दयाल जी के हम बात की बात उसकी बात करें दोस्तों, वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो दोस्तों इसके पुत्र भी थे, जिसे गरीबदास है दोस्तों, ये गरीबदास भी पुत्र है। इसके बाद दोस्तों इसके अगले पुत्र भी थे और दोस्तों इसके दो पुत्री भी थी। दो इसके पुत्र थे और दोस्तों दो पुत्री थी। एक पुत्र था इसका मिस्किन दास था, कौन था, मिस्किन दास इसका पुत्र था, ठीक है ना, मिस्किन दास था। पुत्री की हम बात करें दोस्तों, पुत्री भी दो थी, ठीक है ना। नंबर एक थी दोस्तों शोभा कुंवर, कौन थी दोस्तों, शोभा कुंवर। इसकी पुत्री भी, इसकी कितनी थी दोस्तों, दो पुत्री थी। कितनी पुत्री थी दोस्तों, दो पुत्री थी दादू दयाल जी की। हम कह सकते हैं दोस्तों जो दादू दयाल जी थे, वे दोस्तों एक वैवाहिक जीवन भी था और दोस्तों एक जनता को एक संदेश देने वाला भी था। एक दूसरी पुत्री थी रूप कंवर थी, क्या नाम था दोस्तों, रूप कंवर थी। दो पुत्री थी दोस्तों और दो पुत्र थे, गरीब दास और मिस्किन दास, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1589 ईस्वी तक कहाँ रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। इसके बीच में ही दोस्तों 1585 ईस्वी की हम बात करें, 1585 ईस्वी में अकबर से मिलने के लिए कहाँ जाते हैं दोस्तों, फतेहपुर सीकरी जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों, फतेहपुर सीकरी जाते हैं। किससे मिलने के लिए दोस्तों, अकबर से मिलने के लिए। अगर दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान का कौन सा संत था जिसने अकबर से मुलाकात की थी, तो दोस्तों उसमें जो हमारा है वो संत दादू दयाल जी है, जिन्होंने अकबर से 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर मुलाकात की थी। और दोस्तों कहा जाता है कि अकबर से भी दादू दयाल जी की एक अच्छी बनती थी। और दोस्तों आमेर के हम शासक की बात करें, जिसका नाम था मानसिंह दोस्तों दादू दयाल जी के समय ही था, और मानसिंह से भी दादू दयाल जी के एक बहुत ही अच्छे संबंध थे। किससे दोस्तों, मानसिंह से, जो यहां का शासक था मानसिंह, मानसिंह से भी एक अच्छे संबंध थे, ठीक है ना। और यहां पर मुगल शासक की तो बात हो ही चुकी है, मुगल शासक कौन थे दोस्तों, अकबर थे, ठीक है ना। अब दोस्तों संत दादू दयाल जी ने क्या किया दोस्तों, इसने एक दादू वाणी लिखी थी दोस्तों। क्या लिखी, दादू वाणी, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, जो ये दादू वाणी है, ये जो दादू वाणी है, ये दोस्तों मिश्रित भाषा में है, इसमें हिंदी भी है उर्दू भी है। तो दोस्तों इसे हम साधु कड़ भाषा भी इसे कहा जाता है। एक बात और है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, दादू दयाल जी ने जो प्रवचन दिए थे वे जनता की, कहें हम साधारण जनता की भाषा में दिए थे, आम जनता की भाषा में दिए थे। हम ये भी कह सकते हैं जब ये जयपुर के आसपास रहते हैं तो प्रवचन किस में देंगे दोस्तों, प्रवचन जो देंगे डूंडाड़ी भाषा में ही देंगे। कौन सी भाषा में, डूंडाड़ी भाषा में। इसलिए दोस्तों ये जो जब इसने स्थानीय भाषा में प्रवचन दिया था, इसलिए दोस्तों इसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कबीर, क्योंकि दोस्तों कबीर ने भी जो प्रवचन दिए थे दोस्तों वे साधारण जनता की भाषा में ही दिए थे। इसके बाद दोस्तों ये लास्ट में दोस्तों कहाँ चले जाते हैं, नारायणा चले जाते हैं।
नारायणा, ये दोस्तों जयपुर जिले में ही स्थित है, फुलेरा के पास। कहाँ पर दोस्तों? फुलेरा के पास स्थित है। और दोस्तों यहीं पर अंतिम सांस लेते हैं कौन दोस्तों? संत दादू दयाल जी। और यहीं पर नारायणा में ही दोस्तों, जो नारायणा है यहीं पर दोस्तों 1603 ईस्वी में दादू संत दादू दयाल जी का स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों मृत्यु के बाद एक बात और भी समझने की है, मृत्यु के बाद संत दादू दयाल जी का जो डेथ बॉडी होती है दोस्तों, उसे जयपुर के जो भैराना का जो जंगल है, भैराना का जंगल ये जयपुर में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर समझना। अब यहाँ इस प्रश्न को इसको थोड़ी सी समझना आप, जो ये भैराना का जो जंगल है जो जयपुर में स्थित है, यहाँ पर इसकी जो शव था उसे दोस्तों एक चारपाई पर वहाँ पर रख दिया गया था जंगल में। कहने का मतलब ये था, जो शरीर होता है उसे जलाते नहीं है, उसे दफनाते भी नहीं है, उसे दोस्तों जंगल में छोड़ दिया जाता है और जीव जंतु उसके मांस को खा जाते हैं। ये शुरुआत में दादू पंथ के सिद्धांत थे दोस्तों। और संत दादू दयाल जी के शरीर को भी जो भैराना जो जयपुर का जंगल है यहाँ पर छोड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो नारायणा है दोस्तों, ये नारायणा जो जयपुर के पास है, नारायणा दोस्तों इस नारायणा में इसकी मुख्य पीठ स्थित है। क्या दोस्तों? मुख्य जो पीठ स्थित है ये दोस्तों नारायणा जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में स्थित है, यहाँ पर इसकी मुख्य पीठ दादू पंथ की, ठीक है ना, नारायणा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों समझना, दादू दयाल जी के बाद जो राजगद्दी संभालते हैं 1603 ईस्वी में, वो कौन संभालते हैं? गरीब दास संभालते हैं। एक बात और है दोस्तों, खुद दादू दयाल जी ने विवाह किया था, एक वैवाहिक जीवन जिया था, लेकिन दादू दयाल जी के जो सिद्धांत हैं उनमें दोस्तों विवाह ना करने का कहा गया है। हम ये कहें, जो दादू दयाल जी के जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं दोस्तों, वो विवाह नहीं करते, किसी लड़के को गोद लेते हैं और अपनी मृत्यु के बाद उसी को दोस्तों राजगद्दी पर बैठाया जाता है। तो दोस्तों ये दादू दयाल जी के बारे में हो गया। इसके बाद दोस्तों जो दादू पंथ है जिसमें 152 शिष्य हैं और जिनमें से दोस्तों 100 एकांतवास में रहते हैं और 52 जनता के सामने आते हैं, जिसे 52 स्तंभ कहा जाता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे दोस्तों। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों ये लोक संतों में जो संत दादू दयाल जी है एक बहुत ही प्रसिद्ध संत है। और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और संत रज्जब के बारे में भी पूछ लिया जाता है, उसकी मजार के बारे में पूछ लिया जाता है, संत रज्जब की मजार कहाँ पर है, ठीक है ना। पहले तो हम दोस्तों शिष्यों की बात करते हैं। शिष्य दादू दयाल जी के दोस्तों 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, ठीक है ना। इसमें से दोस्तों जो 100 शिष्य थे, 100 ये एकांत वास में रहते थे। किस में रहते थे दोस्तों? एकांत वास में रहते थे 100, ठीक है ना। इसमें से दोस्तों अब जो बचे दोस्तों 52 जो शिष्य बचते हैं, ये दोस्तों जनता के सामने आते थे। किसके सामने आते थे दोस्तों? जनता के सामने आते थे। जो उपदेश देने का काम करते थे वो ये 52 शिष्य करते थे, इसलिए दोस्तों इसे 52 स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ। और जो ये 100 हैं एकांतवासी हैं, जनता के सामने नहीं आते, केवल 52 जो शिष्य हैं वही सामने आते हैं। अब दोस्तों समझना, इन्हीं शिष्यों में एक था दोस्तों रज्जब था, रज्जब पठान। क्या नाम दोस्तों? रज्जब पठान, ठीक है ना। रज्जब पठान एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना।
जो रज्जब पठान है इसका विवाह का दिन था, घोड़ी पर बैठे हुए थे, दूल्हे का वो शहरा बांध रखा था, मैं शहरा बांध कर आऊंगा, गाना भी चलता है ना शहरा बांधता है, ठीक है ना, तो मैं तो शहरा बांध रखा था दोस्तों, घोड़ी पर बैठा था, ठीक है ना, और दोस्तों जब जा रहा था, जिस दिन शादी थी, जब घोड़ी पर बैठा था, जब जा रहा था, तो संत दादू दयाल जी के प्रवचन कानों में पड़े, या कानों में जैसे आवाज आई कानों में, तो संत रज्जब साहब, ये रज्जब पठान उसी समय दोस्तों, उसी समय शादी वादी को छोड़कर दोस्तों कहां पर किसका शिष्य बन गया, संत दादू दयाल जी का शिष्य बन गया। और दोस्तों जो ये रज्जब पठान है, ये जीवन भर कैसे रहे दोस्तों, ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे, कैसे रहे दोस्तों, ये दूल्हे के वेश में रहे जीवन भर। अगर पूछ लिया जाए कौन सा संत था जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हैं, दूल्हा बनकर रहते हैं, वो थे दोस्तों संत रज्जब थे। और दोस्तों हम बात करें अब दोस्तों प्रश्न मजार का बनता है, मजार कहां पर है, तो जो इसकी मजार है दोस्तों वे दोस्तों सांगानेर जयपुर में है, कहां पर है दोस्तों सांगानेर जयपुर में है। इसकी जो मजार हम या कहें जो इसका पीठ वो कहां पर है दोस्तों, वो सांगानेर जयपुर में है। दोस्तों इसके जो हम दादू दयाल जी के पंथ की बात करें, इसमें कुछ दोस्तों नागा संत थे, वो जो दोस्तों हथियार लेकर प्रवचन देते थे, ठीक है ना, नागा संत थे, कुछ खाकी संत थे जो दोस्तों शरीर पर कुछ भस्म लगाकर प्रवचन देते थे, इस तरीके से इसके संत थे दोस्तों। और जो दादू पंथ है दोस्तों, ये जयपुर के आसपास डूंडाड़ी एरिया से ही संबंधित है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज का हमारा टॉपिक था वो था दादू दयाल जी, और दोस्तों दादू पंथ और संत रज्जब था दोस्तों, ये विवाह नहीं करते, जीवन भर अविवाहित रहते हैं, और दोस्तों जो गोद लिया हुआ रहता है उसी को दोस्तों आज गद्दी पर बैठाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको पसंद आई होगी ये क्लास, दोस्तों सब अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।